दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे गिरते हुए सांस्कृतिक, मानवीय और हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनकी पुनर्स्थापना के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, पतन से उत्थान की ओर जाना और पुनर्जागरण होना, तो इस तरीके से हमारी संस्कृति के जो मूल्य हैं पुनः कैसे स्थापित हो, उसके बारे में इस कार्यक्रम में हम वार्ता करते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम एक ऐसे गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा मूल्यवान विषय है। तो आज का विषय है कि परोपकार की महिमा। परोपकार का अगर संधि विच्छेद करें तो पर प्लस उपकार, पर मने दूसरे का, उपकार मने भला करना। ऐसा कार्य जिससे दूसरे किसी व्यक्ति का भला हो वह परोपकार कहलाता है। हम स्वयं के लिए अपना कार्य करते हैं, अपने परिवार के लिए जिससे कि हम संबद्ध हैं वो हमारा कर्तव्य है, वो परोपकार की परिभाषा में नहीं आता है, वो सेवा के कार्य में अवश्य आता है। लेकिन हमारे परिवार के अतिरिक्त हम किसी अनजान व्यक्ति को, हम हमारे पड़ोसी को या हम हमारी पूरी सोसाइटी के किसी व्यक्ति को किसी तरह का उस पर उपकार करते हैं वह परोपकार कहलाता है। अब ये उपकार जो है ना कई तरह से हो सकता है और उपकार का सीधा संबंध है सेवा से भी जोड़ सकते हैं। हम जितनी जितनी निष्काम सेवा करते हैं वह सब परोपकार की परिभाषा में आता है। तो उस तरीके से सेवा भी हमारी भारतीय संस्कृति में तीन तरह की मानी गई है। पहला तन की सेवा, दूसरा मन की सेवा और तीसरा धन की सेवा। जिन लोगों के पास में धन नहीं होता है और जिनके पास के अंदर जो है बहुत अधिक प्रस्तुतिकरण का उनके पास के अंदर अभ्यास नहीं होता है, तो वो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जिस किसी भी संस्था में जाकर के वहाँ पर सेवा दे सकते हैं। ये तन की सेवा है, यानी अपना वहाँ जाकर के श्रम का नियोजन करना, जो भी अपने इच्छा का संस्था होती है उसमें जाकर के नियोजन करना है, ये तन की सेवा कहलाता है। और जिसके पास के अंदर खूब संपत्ति है, अपना घर का भरण पोषण करने के अतिरिक्त भी ईश्वर ने बहुत दिया होता है, तो वो धन का जो अच्छा उपयोग जो है दूसरे का उपकार करके और दूसरे की सेवा करके कर सकता है। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर परोपकार को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और परोपकार के लिए जो कहा गया है कि तरुवर फल नहीं खात है, सर्वर पिए न पान, तुलसी धरा शरीर यह निज स्वरूप के काम। मतलब ये जो हमारा शरीर है वह किसी अन्य के काम में आवे उसके लिए शरीर की जो है हमारा महत्व है। हम दूसरे के लिए क्या करते हैं, व्हाट वी कंट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी इज मीनिंगफुल। उसके लिए जो है हर व्यक्ति अगर अपने सोसाइटी के लिए परोपकार करने के लिए लग जाए तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। इस परोपकार को करने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में एक एनजीओ का सिस्टम आया, सामाजिक संस्थाएं खड़ी हुई जो कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कार्य करती है। कोई शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, कोई मंदिरों के उत्थान के क्षेत्र में कार्य करती है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करती है और कोई प्राकृतिक विपदा आ जावे उस वक्त के अंदर कार्य करती है। तो ये हमारे परोपकार की भावना से ये एनजीओ खड़ा हुआ और उसके लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्होंने भी मान्यता दी, उनका रजिस्ट्रेशन किया और जब ऐसा समय आता है, ऐसी विपत्ति आती है तो ये संस्थाएं हाजिर होती है। और ऐसी कई एनजीओ बहुत सक्रिय है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि उदयपुर के अंदर नारायण सेवा संस्थान है जो कि पोलियो का उपचार करती है। उसके अंदर पोलियो से ग्रसित जो है कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से वहां जाकर के अपना एडमिशन ले सकता है और निःशुल्क रूप से जो है उसको पूरी चिकित्सा दी जाती है। इसी तरीके से एक संस्था हमारे यहाँ पर जो है कमला नेहरू
कॉलोनी के अंदर है वो है मूक की है, बधिर है, अंधों की स्कूल कहलाती है, वो बहुत पुरानी है और उसके अंदर अंधों को एडमिशन दिया जाता है, मूक को और बधिर को एडमिशन दिया जाता है और उनको उनकी तरह की जितनी लिपि है आजकल भाई और बहनों दर्शकगण श्रोतागण हर एक के लिए अपनी अपनी लिपि बनी हुई है। मूक है तो उसकी लिपि अलग से है जिसे हाथ के एक्शंस के द्वारा उसको जो है समझाया जा सकता है कि वो बोल नहीं सकता है, तो हाथ के एक्शन से जो है वो मूक की पूरी लिपि, और आपने भी टीवी के अंदर देखा होगा कि वो मूक की लिपि के द्वारा जो है पूरा जो है न्यूज को जो है कोई भी भाषण को है वो प्रतिपादी व्याख्यायित कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से जो गूंगे हैं और बधिर है जिनको सुनाई नहीं देता है उनके लिए भी इस तरीके की जो है वो रखी गई है। तो हर एक के लिए, और अंधे हैं उनकी लिपि होती है वो हाथ के सहारे से उनके लिए जो कागज के ऊपर उभार होता है उस उभार का अलग अलग पॉइंट्स होता है उस उभार को देख करके लिपि बन जाती है और वो लोग बड़े अभ्यस्त हो जाते हैं। और ये सारी हमारे कमला नगर जो है वो स्कूल है, अंधों की स्कूल है, उसके अंदर लंबे समय से ऐसी सेवा दी जा रही है। और पूरे जो विश्व जागृति मिशन है जो अनाथों के लिए कार्य करता है, जो कोई भी हिंदुस्तान के अनाथ बच्चा होता है वहां पर वो एडमिशन दे दिया जाता है, उनके बहुत सी जगह स्कूल से और उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और उनको एक सभ्य इंसान बनाने के लिए अच्छी तरीके से वहां पे सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो भाइयों परोपकार, एक जो व्यक्ति अपने जीवन का मिशन बना लेता है कि मुझे अपना जीवन परोपकार में लगाना है तो वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। और परोपकार की महिमा हमारे भारतीय ग्रंथों के अंदर जगह जगह पर उसकी महिमा के गुणगान किए गए हैं और ये बताया गया है कि परोपकार करना जीवन का सबसे सर्वोत्तम लक्ष्य है। और जो व्यक्ति प्रारंभ से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति तो साधु जीवन स्वीकार कर लेता है, क्योंकि साधु जीवन की स्वीकृति के बाद के अंदर वह व्यक्ति वसुधैव कुटुंब का सदस्य बन जाता है और उसके लिए पूरी जो दुनिया है पूरा विश्व जो है एक भाईचारे के रूप में भाई तुल्य में हो जाता है और 24 घंटे वो परमार्थ की बात करते हैं। कोई व्यक्ति आवे उसको ज्ञान देते हैं, उसको समझ देते हैं, उसको आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, उसका कोई व्यसन छुड़ाते हैं। हमारे माणकलाव यहाँ गांव है वहाँ पर जो है वो व्यसन मुक्ति अफीम की मुक्ति से किस तरीके से जो है दिया जाए उसकी पूरी जो है वो लोग सेवा करते हैं। तो भाई और बहनों परोपकार एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मूल्य है जिसने कि हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसके अंदर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। परोपकार करने वाला व्यक्ति कितना अपने आप के अंदर भीतर आनंदित होता है ये आप करके देखिए। हम देखिए अपने जीवन के अंदर छोटे छोटे आपको प्रयोग बताता हूँ कि जब कभी भी हम घर से निकलते हैं और हमने देखा कि सड़क पार कोई भी अंधा व्यक्ति जा रहा है और सड़क पार करने में उसको कठिनाई है तो हम उसके साथ जाकर के और उसका जो है हाथ पकड़ के उसको किनारे कर देते हैं, ये कितना बड़ा उपकार की बात है भाई और बहनों दर्शकगण श्रोतागण। और हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए गर्मी का महीना है, जेठ आषाढ़ का महीना है, तो हम पशुओं के लिए पक्षियों के लिए पानी के अलग अलग टब बना कर रखते हैं, उसमें पशु पक्षी जो पानी पीते हैं तो वो कितनी बड़ी सेवा, क्यों वो पानी कहाँ से लाएंगे, वो किस जगह जाकर के पानी पिएंगे। हम तो खुद समझदार व्यक्ति हैं, हम तो जाकर के और कहीं भी पानी पी सकते, लेकिन पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए पानी की, दाने की, चुग्गे की और उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था करना ये वास्तव में जीव दया का काम है और बहुत बड़ा उपकार का काम है। इसलिए भाई और बहनों व्यक्ति किसी भी ट्रेड में काम करे लेकिन वह जो है सेवा माइंडेड होना चाहिए, वो परोपकार माइंडेड होना चाहिए। और ये मान के चलिए कि ऐसा कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। हम अपनी स्वयं की मदद जो है सबसे अच्छी कैसे कर सकते हैं कि दूसरों के आंसू पहुंच करके, अगर हम दूसरों के आंसू पहुंचते हैं तो ईश्वर हमारे आंसू आने ही नहीं देता है। यानी अगर हमने अपना
अपना जीवन जो परोपकार के अंदर लगा दिया तो हमारे परिवार की, हमारे शरीर की सारी व्यवस्था ईश्वर स्वयं करता है। भाइयों और बहनों, मैंने स्वयं ने 18 वर्ष से वानप्रस्थ जीवन लिया है, तो वानप्रस्थ जीवन परोपकार से जुड़ा हुआ है। तो 24 घंटे जो है मेरे जीवन में परोपकार की बात चलती है कि किस तरीके से मैं एक शिक्षक के रूप में हूँ, किस तरीके से मैं लोगों को टीवी के प्रसारण के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस रख करके, सत्संग रख करके और मैन टू मैन जो है बुला करके प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन जो है वो पूछ करके उसकी जिज्ञासा का समाधान करके किस तरीके से व्यक्ति का माइंड सेट बदला जाए, व्यक्ति के अंदर जो अशांति है उसको दूर किया जाए, तो ये सारा परोपकार के अंदर आता है। हम परोपकार की अगर बात करें तो हमारी ये जो प्रकृति है वो कितना परोपकार करती है। आपको उदाहरण दें कि ये जितनी भी नदियां चलती है, ये नदियां कितने लोगों की प्यास बुझाती है, लेकिन क्या वो पानी पीती है? और ये सूर्य जो है कितना परोपकार करता है कि जब प्रातः सूर्योदय होता है उसके बाद में हमारा जीवन प्रारंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि दिन है व्यक्ति के कार्य करने के लिए होता है, रात्रि विश्राम करने के लिए होती है। तो जब सूर्योदय होता है उसके बाद से ही हमारी सारी दिनचर्या प्रारंभ होती है। तो कितना बड़ा सूर्य का उपकार है हमारे ऊपर, और हमारे भीतर जो भोजन पचाने की जठरा अग्नि है, वह जठरा अग्नि जो है वो सूर्य के प्रकाश से जो है प्रज्वलित होती है और उससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। आप प्रकृति के किसी भी चीज को देख लीजिए, वो बहुत बड़े उपकारी है और उनसे शिक्षा ली जानी चाहिए कि वो कितना उपकार कर रहे हैं। अब जैसे जड़ी बूटियों को ले लीजिए और फल फ्रूट्स को देखिए कि जितने भी जो पेड़ पौधे हैं जिनसे कि मीठे मीठे जो है वो फ्रूट्स प्राप्त होते हैं, तो क्या वो फ्रूट स्वयं खाते हैं? नहीं, वो फ्रूट्स हमारे लिए उत्पन्न करते हैं और हमारे को भेंट देते हैं, सौगात देते हैं बंधुओं। तो जब हमारा इस सृष्टि का हर जो है घटक जो है कुछ न कुछ परोपकार कर रहा है, और जब मनुष्य हम जिसके पास में एक विकसित दिमाग है और जिसके पास में 5 इंद्रियां विकसित है, तो हम अपना परोपकार का जीवन का एक अंग क्यों नहीं बनाएं? तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इसीलिए आज का ये विषय लिया गया है कि परोपकार की क्या महिमा है। परोपकार एक ऐसा विषय है जो कि शत्रु को मित्र बना देता है, और अगर हम कोई हमारा शत्रु है उसका हम उपकार करते हैं, उदाहरण के तौर पर लीजिए कोई व्यक्ति हमारा शत्रु है, वो बीमार है, हमने उसके लिए दवाई की व्यवस्था की, उसके लिए डॉक्टर को हम ले जाकर के उसका उपचार कराते हैं, वो किसी समस्या के अंदर है उसकी समस्या का हम समाधान करते हैं, तो उसके दिमाग के अंदर एक नया चिंतन आता है कि देखिए मेरी शत्रुता होते हुए भी इसने मेरे पर कितना उपकार किया। बंधुओं, उपकार परोपकार करने से हमारे भी शरीर के भीतर के सारे रसायन है वो बदल जाते हैं, क्योंकि परोपकार है त्याग की भावना से जुड़ा होता है। जब कुछ देने की बात होती है, दो तरह के एक्शन होते हैं, एक तो लेने की बात होती है और एक देने की बात होती है। जो दिया जाता है उसका हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे रहता है, यानी मांगने वाले का हाथ नीचे रहता है और देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। जो हाथ ऊपर रखता है वो परोपकारी कहलाता है। अब देखिए परोपकार का संबंध दान से भी है, क्योंकि जहां दान है वह सारा परोपकार का ही रूप है। परोपकार और दान को जो है हम अलग अलग नहीं कर सकते, एक सिक्के के दो पहलू हैं। दी दोज आर दी टू सरफेसेस ऑफ ए सिंगल कॉइन। अब दान की जब बात चली तो 3 तरह के दान मुख्य रूप से बताए गए हैं। सबसे पहला दान है कि संयति दान। संयति दान का अर्थ है कि जो ईश्वर का भजन करता है, जो ईश्वर की महिमा का गुणगान करता है और हमको आत्म साक्षात कराता है, हमारी आत्मा का ज्ञान देता है, परोपकार की बात करता है, दूसरे के भले की बात करता है, और वो कोई भोजन नहीं पकाता, उसके कोई घर नहीं होता, यानी वो साधु सन्यासी ऋषि पुरुष है, उस व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं हैं, चाहे रहने की आवश्यकता है, चाहे कपड़े की आवश्यकता है, चाहे भोजन की आवश्यकता है, चाहे पानी की आवश्यकता है, उसकी कोई भी आवश्यकता की पूर्ति करना वो संयति दान है। क्यों? कि वो संयति जो है वो
हमेशा अच्छा कार्य करता रहता है, 24 घंटे परोपकार का काम करता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हमारे यहाँ बाबा रामदेव का बहुत बड़ा मेला लगता है, तो श्रावण भादों के अंदर हम देखते हैं कि कीड़ी नगरा, हमारी जो है राजस्थानी भाषा में कीड़ी नगरा ऐसे कहा जाता है कि एक के बाद सटा हुआ चलता है, उसको कीड़ी नगरा कहते हैं। तो गुजरात स्टेट से, मध्य प्रदेश से और पंजाब से, हरियाणा से, सभी प्रांतों से, और बाबा रामदेव को मुसलमान भी मानते हैं और हिंदू भी मानते हैं, पीर भी मानते हैं और जो हमारे हिंदू के पंडित भी मानते हैं, तो वहाँ लोग आते हैं। अब देखिए, परोपकार की मैं बात करता हूँ कि वो लोग कितने कितने दूर से पैदल चल के आते हैं, लेकिन उनको 200, 300, 500 किलोमीटर की जितनी यात्रा होती है, उनको भोजन की, उनको पानी की, उनको रुकने की, उनको दवाई की, कोई तरह की समस्या का उनको रास्ते के अंदर चिंता करने की जरूरत नहीं है। परोपकारी लोग होते हैं, वो टेंट लगाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं और धन का अपना विसर्जन करते हैं और उसमें लगते हैं और बड़ी आह्लाद की अनुभूति करते हैं। भाई और बहनों, ये हमारी पूरी भारतवर्ष के अंदर आप ध्यान लगा करके देखिए कितनी धर्मशालाएं हैं, कितनी भोजनशालाएं हैं और कितनी शीतल पानी पीने के लिए प्याऊ खुली हुई है। ये कंसेप्ट कहाँ से आया बंधुओं? ये कंसेप्ट परोपकार से आया, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, हमारे भारत के हर निवासी के ब्लड के अंदर ये बात भर दी गई है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा काम है परोपकार है। अगर आप जीवन को धन्य करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक आप उपकार कीजिए, दूसरे का भला कीजिए, जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है उसका भला कीजिए। देखिए, हमारी मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी थोड़ी एक्सेस में बनाई जाती है, 4-5-10 रोटी हमेशा रहती है, तो हो सकता रात्रि के अंदर हमारी अतिथि देवो भव। हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि को देव का रूप कहा गया है। ये बड़ा परोपकार का कॉन्सेप्ट है बंधुओं। भारतीय संस्कृति की क्या क्या बात करें, उस संस्कृति का एक एक फॉर्मूला, एक एक बात, एक एक वक्तव्य जो है किसी न किसी लॉजिक से जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए, भारतीय संस्कृति का हमारा लॉजिक है कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने से क्या होता है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के होता है कि वो लोग रात्रि के अंदर जो बहुत एंजॉय करते हैं और उठने का उनका समय होता है 9-10-11 बजे उठते हैं, उनका कॉन्सेप्ट नहीं है ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, वो नहीं जानते। ब्रह्म मुहूर्त की जो इंडियन कल्चर में आता है कि सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व ऐसा समय होता है, उस समय के प्रकृति जो है अमृत बरसाती है, ऐसे रसायन जो है हमारी प्रकृति मां से हमको मिलते हैं कि हमारा शरीर एकदम हष्ट पुष्ट हो जाता है, शरीर एकदम प्रसन्न होता है, हो जाता है, शरीर एकदम जागृत होता है और इतना स्वस्थ हो जाता है कि दिन भर तरोताजा होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, आप सूर्योदय से पूर्व उठते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि मॉर्निंग वॉक करने वाला व्यक्ति की जो है वो कितनी ऊर्जा जो है, कितना वो तरोताजा रहता है। मैं भारतीय संस्कृति की और आपको बात बताऊं, छोटी बात है प्रणाम करने की। भाई और बहनों, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक महान सूत्र है कि छोटे लोगे बड़ों से प्रणाम करके, शिष्य गुरु से प्रणाम करके और वरिष्ठ नागरिकों को प्रणाम करके, ऋषि मुनियों को प्रणाम करके, बहु है सास को प्रणाम करके, पुत्र है पिता को प्रणाम करके, पोता है दादा को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें बंधुओं। इसके अंदर कितना बड़ा लॉजिक, कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। भाई और बहनों, हम सभी आत्माएं हैं, जब आत्मा एक प्रसन्न आत्मा होती है और प्रसन्नता के साथ में कोई आशीर्वाद देती है तो वो आशीर्वाद फलित होता है और उसका फल हमें बहुत बड़ा मिलता है। हम ईश्वर से जो कृपा मांगने जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, राम के मंदिर के अंदर जाते हैं, देवी के मंदिर में जाते हैं, मनोकामना करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा भीतर का अंत शुद्ध होता है और शुद्ध होने से जो है हमें उसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। भाई और बहनों, इसीलिए अगर हम अच्छा प्राप्त करना
करना चाहते हैं, जीवन के अंदर अच्छा बनना चाहते हैं, तो परोपकार सबसे बहुत अच्छा सूत्र है। और परोपकार की जहां तक बात है, कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में, चाहे झोंपड़ी में रहने वाला हो, चाहे रैन बसेरा करने वाला हो, चाहे बड़ी अटालिका के अंदर रहने वाला हो, चाहे मंत्री हो, चाहे धनाढ्य हो, चाहे छोटे दर्जे का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति जो है परोपकार करना चाहे तो वो कर सकता है। क्यों? परोपकार की स्थितियां तब आती है जबकि समाज के अंदर व्यक्ति रहता है। हम समूह में रहते हैं, मनुष्यों के समूह को जो है वो समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समूह होता है, टोला होता है, वो समाज कहलाती है। लेकिन मनुष्यों का समाज, जो मनुष्यों का समूह वो समाज कहलाता है। और समाज को संयोजित रखने के लिए, समाज को क्रियाशील रखने के लिए, समाज को स्वस्थ रखने के लिए परोपकार बहुत जरूरी है। परोपकार की हम बात करें, देखिए कि हम पड़ोस के अंदर रहते हैं, रात्रि के अंदर हमारे पड़ोसी के घर के अंदर कोई बीमारी हो गई, अब उसके पास साधन उपलब्ध नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाने का, और रात्रि के अंदर कहाँ साधन मिले, और आपके पास में साधन है, आपको सूचना मिलती है, आप तुरंत तैयार होकर के अपने साधन से उसको डॉक्टर के पास इमरजेंसी में ले जाते हैं और ले जा करके उसकी चर्या करवाते हैं। बंधुओं, ये कितनी बड़ी उपकार की बात है बताइए, और इससे कितना बड़ा लाभ होता है। हो सकता है किसी व्यक्ति की जान बच जाए, और पड़ोसी का जो है हमारे प्रति कितनी भावना होती है कि ये भक्ति। इसीलिए कहा गया जाता है कि पड़ोसी, हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है पड़ोसी भाई से बढ़कर होता है। भाई अगर 100 किलोमीटर दूर रहता है, विदेश के अंदर रहता है या दूसरे शहर के अंदर रहता है, वो कब आए और कब वो सेवा करे, कब हमारा सहयोग करे। लेकिन पड़ोसी तो हमारे बगल में बैठा है, हमारे साथ रहने वाला है, अगर हम हिलमिल के रखते हैं तो हमारी समस्या का बहुत समाधान हो जाता है। और बंधुओं, ऐसा होता है कि व्यक्ति को किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा गया परस्परो गरो जीवानाम, परस्पर हम जो है सहयोग के साथ रहे, यही परोपकार की भावना का महत्व है। और इससे ही परोपकार की भावना डेवलप होती है कि हम एक दूसरे, सबसे पहले परोपकार के लिए क्या होता, सम्मान की भावना होनी चाहिए। परोपकार प्रारंभ कहाँ से होता है, और व्यक्ति परोपकार करे या न करे, लेकिन इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सबको सम्मान की दृष्टि से देखता है। वो ये चिंतन करता है कि इस 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन कर मैं उनको नमन करता हूँ। बंधुओं, ये सबसे बड़ा परोपकार है। इससे क्या होता है कि हमारे भीतर अहंकार की भावना, हमारे भीतर कषाय की भावना वो शांत होती है, और हम जो है प्रकृति माँ के लिए जो है वो श्रद्धाशील हो जाते हैं। बंधुओं, तो ये सबसे पहले सम्मान से, परोपकार का सीधा सम्मान सम्मान से जुड़ा है। और दूसरा, इस सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मनुष्य है, उन सब के प्रति जो है हम अभय दान की भावना रखनी चाहिए। मैंने संयति दान की पहले बात की, अब दूसरा आता है अभय दान। अब इस सृष्टि के अंदर कितने प्राणी हैं, असंख्य प्राणी हैं, अनंत प्राणी हैं, लेकिन उन प्राणियों का संरक्षण करना वह मनुष्य का दायित्व है। मनुष्य चाहे तो उन प्राणियों को विध्वंस भी कर सकता है और उनका संरक्षण भी कर सकता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, परोपकार की महिमा बहुत विशाल महिमा है। परोपकार के ऊपर हमारे पूरे ग्रंथ भरे हुए हैं, भरे पड़े हैं, और इसके चिंतन के ऊपर हम घंटों घंटों, दिनों दिन, महीनों महीनों पर वार्ता कर सकते हैं। लेकिन निर्धारित समय में बात को हमने, इसके विश्लेषण को करने का, इसके लाभ बताए, और इससे जो है हमारा समाज को सबसे क्या सांस्कृतिक लाभ होगा ये बताया। आप सभी आए और आपने हमारी वार्ता को सुना और हम एक दूसरे को विचार विमर्श हुआ हमारा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका हम स्वागत करते हैं, और आपका कल्याण हो, आप प्रसन्न हो, सुखी हो। परोपकार की हम बात करते हैं तो जगत कल्याण होना चाहिए, और सभी जीव सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, आनंद से रहें, सभी मोक्ष हो और सबको आनंद मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना।